सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ दायर हुई याचिका, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की अपील पर एक्ट्रेस ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन। कंगना रनौत पिछले काफी वक्त से अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियां बटोर रही है। बीते कुछ वक्त में वो कई बार विवादित बयान देकर मुश्किल में फंस चुकी है। अब एक्ट्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कंगना ने हाल ही में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर एक पोस्ट लिखा था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसके बाद जहां कंगना ने FIR दर्ज करवाई, तो अब एक्ट्रेस के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी गई है। ANI के मुताबिक कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अपील की गई है कि भविष्य में कंगना रनौत के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर किया जाए, ताकि देश में कानूनी व्यवस्था बनी रहे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ये याचिका किसने दायर की है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस याचिका पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने इस याचिका की खबर को मेंशन करके हंसते हुए लिखा कि देश की सबसे पावरफुल महिला। सोशल मीडिया पर भी लोग इस कंगना के खिलाफ दायर याचिका पर तरह तरह के रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर याचिका के बारे में लिखते हैं, प्रचार याचिका, बहुत यकीन है कि इसे लागत के साथ अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक अन्य ट्विटर यूजर ने एक्ट्रेस के खिलाफ दायर याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि गलत, सभी को बोलने का अधिकार है, गलत होने पर भी उसे बोलने दे, लोग अच्छे और बुरे का न्याय करने के लिए काफी समझदार हैं। एक अन्य ट्विटर यूजर ने मामले पर अपनी राय रखी और लिखा कि साथ ही अगर वो किसी का अपमान करती है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सब कुछ सेंसर करना समाधान नहीं है। एक अन्य ट्विटर यूजर ने कंगना के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और लिखा कि इसकी बहुत जरूरत है, कंगना के सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर किया जाए। एक अन्य ट्विटर यूजर ने मामले पर कमेंट किया और लिखा कि सच है, वो सभी गलत कारणों से नाम कमा रही है, वो किसी भी तरह से होने वाली पब्लिसिटी में विश्वास रखती है। कुछ दिन पहले ही वो योगी के साथ नजर आई थी, धीरे धीरे वो बॉलीवुड के मोर्चे से BJP का चेहरा होंगी। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि भटिंडा के व्यक्ति ने उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। पोस्ट में कंगना ने कहा था, मैं इस तरह की धमकियों से नहीं डरती। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे।